अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, सब कैसे हैं। आज मैं बनाने जा रहा था बफलो विंग्स। तो ये मैंने विंग्स ले लिए, चिकन विंग्स। हम इनको दो पीसेस कर लेंगे, जॉइंट से काट के इनको अलग कर लेंगे। ये है हॉट सॉस, ये है शहद हनी, ये रेड चिली पाउडर है, गार्लिक है और ब्लैक पेपर है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये मैदा है, इसके ऊपर मैंने काली मिर्च डाली है, और ये सोया सॉस है। और गार्निश के लिए ये तिल है, ये आखिर में डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बफोलो विंग्स बनाने के लिए। ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है और आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं अपने घर में जी। तो ये जो हनी है, हॉट सॉस है, सोया सॉस है, बटर है और रेड चिली, और अपना ये सब जो है वो सॉस के लिए बनाएंगे। बाकी जो हमें इसे जो फ्राई करना है वो ये है, इसमें से थोड़ा है ब्रेड क्रम्स है और ये है फ्राई करने के लिए, ये है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, विंग्स मैंने जो है ये काट लिए हैं, दो पीसों में कर लिए हैं। विंग्स जो है अलग कर लिए मैंने, इनको दो पीसों में कर लिए हैं। अब हम इसमें लगाते हैं इसकी स्पाइसेस। काली मिर्च है, रेड चिली पाउडर है और गार्लिक है। वन स्पून है, वन स्पून से कम है, हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। एक से डेढ़ घंटा छोड़ देंगे हम इसे, ताकि मसाला जो है अच्छा जब्स हो जाए अंदर, ताकि टेस्ट भी आए। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैदा है और ये जो है ब्लैक पेपर है, इनको मिक्स करेंगे। इसमें कोटेड करेंगे हम लोग चिकन जो है बफलो विंग्स है, वो हम इसमें कोट करके फ्राई करेंगे। तो डेढ़ घंटे के बाद अब हम इसको कोट करेंगे इसमें। तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसको जो है ऐसे करने के बाद जो है ना, वो पानी में डीप करके दोबारा करते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लोर और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए आप कर सकते हैं, मगर बफलो विंग्स में एक ही बार करेंगे तो ये भी काफ़ी है। अगर आप लोग ब्रोस वगैरह फ्राई कर रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं, जैसे लोग पानी में इसको डीप करते हैं उसके बाद दोबारा जो है वो करते हैं कोट वगैरह। तो अगर आप लोग ब्रोस वगैरह करते हैं तो कर सकते हैं, इसमें भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, मगर फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मैदा और वो हो जाता है। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये फ्राई हो रही है, तो जब तक हम जो है अपने सॉस की तैयारी करते हैं। सॉस के लिए ये बटर ले लिए, ये सॉस के लिए जो तो हमने बटर ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे हॉट सॉस। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हनी। बहुत ही इजी रेसिपी है, और ये इंग्रेडिएंट्स आजकल पाकिस्तान में हर किसी के पास होते हैं। घर में अक्सर मैक्रोनी वगैरह में लोग यूज़ करते हैं, तो आजकल हर किसी के पास होते ही हैं। ये हनी है, इसमें ऐड करेंगे हम हनी। ये असल ओरिजिनल है, आप लोग डुप्लीकेट भी पाकिस्तान में डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल डालें। मुझे किसी ने दिया था तो ये ओरिजिनल है, तो मैंने ओरिजिनल ही यूज़ कर लिया और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सॉस में ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर। जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं, मैंने एक ही बार कोट करा था उसमें अपने मैदा में और ये ब्रेड क्रम्स में। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी जो है बन गए।
आप अगर कभी ज़िंदगी रही तो मैं जब रोज़ बनाऊँगा तो रेसिपी डालूँगा तो आप देखना, उसमें भी जो है हम लोग ये इन्ग्रीडियंट्स यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो है रेडी हो गया, हम इसमें थोड़ी सी सेसमी डालेंगे तेल, और इसको गार्निश पे भी यूज़ करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, बस 1 or 2 मिनट थोड़ा सा और कुक करेंगे ताकि थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। कुक हो चुके हैं, आप इसको सॉस में भी डीप कर सकते हैं और इसके ऊपर से भी सॉस डाल सकते हैं। तो मैं इसको इस सॉस में ही डीप करूँगा, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये कुक हो चुकी हैं, ऊपर से ये थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनी है। जब भी आप लोग बफलो विंग्स बनाएं तो हनी ये इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ऐसी मोर रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।